गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। दिस इज नेक्स्ट। कल के ब्लॉग में देखा आपने मस्ते पे कि वो प्रसाद हुआ था, तो उसके बाद बस अपना ब्लॉग खत्म। तो अभी फिलहाल मैं आया हूँ यहाँ पे खेत में, और यहाँ पे देखता हूँ तो भाई इतना सुकून लग रहा है ना। मतलब आज ना इतनी ठंडी थी ना भाई सुबह, तो क्या ही बताओ। और यहाँ पे भी खेत में पूरा पानी ओल दिया है, तो यहाँ पे और इधर भी, तो इसी के कारण भी हो सकता है। मतलब फिलहाल तो मैं ऐसे ही टहलने निकला, आज चिम्मा नहीं है क्योंकि उसको मैं दिखा ही नहीं। आज वो मुझ पर भूखा ही नहीं कि लेके जाओ, तो इसलिए मैं उसको लेके ही नहीं आया। बड़ा अच्छा लगा। क्या बोल रहे हो ये? मतलब वो अभी सोया है, तो इसी के साथ इसे उसे पता नहीं चला कि मैं यहाँ पे आया हूँ। खेत में पूरी तरफ मस्त है, पूरा पूरा पानी ओल दिया, पूरा का पूरा। और यहाँ पे नाली सूखी हुई है, और यहाँ पे भी गाइस पूरा का पूरा मस्त ऐसे दिख रहा है ना, इतना मस्त लग रहा है ना भाई, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है नेचर में। और भाई साहब सुबह आगे का नेचर देखो यार, एक नंबर है यार। यहाँ पे अब अकेले ही घूम रहा हूँ, यहाँ पे डोल रहा हूँ, क्या करूँ क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। घूमने भी नहीं जा सकती क्योंकि पता नहीं है, आज घूमने का भी मन नहीं हो रहा, पर देखते हैं अभी घूमना मिलेगा तो वो भी। और अभी बजे 5:40 बजे, तो 6 मतलब आधे घंटे में क्या अंधेरा ही होने वाला है। जब समर का टाइम रहता था तो मस्त भी कि अपने कुछ भी कर सकते थे, मतलब बहुत टाइम रहता था, करीब 7-8 बजे तक तो धूप रहती थी मस्त भी कि, मतलब जल्दी रात नहीं होती थी तब। और गाइस तो दिवाली आने वाली है और मज़ा आने वाला है अपने ब्लॉग में। अभी फिलहाल दिवाली को तो फिर भी टाइम है ना, पर मुझे तो अभी भी सोच के मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि दिवाली में क्या ही मजा आएगा इस साल, क्योंकि इस साल मैं ब्लॉग करूँगा, इतना मज़ा आएगा, सब रिलेटिव्स रहेंगे, सबको जान मस्त है, इतना मज़ा करेंगे यार, फटाके फोड़ेंगे यार, ऐसे मज़ा आएगा। बस ये कोरोना नहीं आना चाहिए, बस इतना ही है। गाइस तो हमारे साथ क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इसको पता है इसके पेपर चलो। हाँ तो दिन भर तो पढ़ाई नहीं करती ना, हम मोबाइल खेल रही थी ना, जाने तो गाइस इसको उठाना पड़ेगा फिलहाल यार। वो काच नहीं बना कि इससे, वो मैंने स्टोरी में सुना था काच बनते रेती जलने से, अभी तो बना ही नहीं। बैक टू द होम, और यहाँ पे नंदनी अपना पढ़ाई चल। तो फाइनली गाइस को सुन रहे हो बताया ना मम्मी, तो फाइनली गाइस क्या 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 कर गजब पेटती है यार। कल से मेरी 11th की स्कूल स्टार्ट होने वाली। स्कूल के फर्स्ट दिन के पहले जब पुस्तक आते हैं ना, तो कितना मज़ा आता है, मतलब फर्स्ट टाइम पुस्तक दिखाऊंगा मैं आपको, यार बहुत अच्छा लगे। और यहाँ पे नंदन भी है, हम साथ में अनबॉक्सिंग करेंगे उसकी। अनबॉक्सिंग मतलब पुस्तक क्या होगा, रैप किया होगा ना उसमें, क्या है इसमें, फिर भी दिखाते हैं 11th की क्लास में बुक में क्या क्या है। नंदनी जी निकालिए। अरे भाई बहुत सारे भाई, ओह माय गॉड, वो मिकी माउस से तेरे जैसा ही दिख रहा है ये मिकी माउस। मुझे पुस्तक से ज़्यादा मिकी माउस अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ क्या है, इतनी बड़ी हो गई पर अभी तक ये खुलना नहीं आ रहा, क्या फाड़ दिया ये। ओ अनबॉक्सिंग और पुस्तक, क्या डोंट टच बुक मेरे है, और अनबॉक्सिंग ये देखो कौन कर रही है अनबॉक्सिंग। देखो हमें जितने बड़े हो गए फिर भी पोएम दे दिया क्या ही बोल। अरे ये चाचा जी कौन है? अरे वाह दाढ़ी मस्त है बाबू। लेसन का नाम क्या है भाई? मराठी में पहला लेसन है मामू। इसके लेखक है शिवाजी सावंत। अपनी सेकंड बुक बायोलॉजी की, बायोलॉजी की। तो गाइस देखो ये ना बुक मेरे, अनबॉक्सिंग मैंने किया चाहिए, पर ये कर रही है तो चिड़चिड़ कर रही है। पार्ट टू भाई 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 भाई, मैंने अभी तक बुक नहीं खोल के देखी, पर इसने देख लिया, अभी देखने ही वाला था। हैंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है गाइस, तो सुबह से अपने स्कूल चालू होते होते मस्त पे अपने पुस्तक आते हैं, फिर पुस्तक को छानते हैं हम कि उसमें क्या है क्या नहीं है, तो उससे मस्त है, मज़ा आ रहा है। अभी नोटबुक भी लेट, और एक बहुत मेन बात बतानी है आपको, मतलब सीरियस नहीं है, बहुत ही छोटी बात। ये है हमारी नई पुस्तक, तो ये है मिस्टर रोहित शर्मा, और देखते हैं अभी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। भाई निकल 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 जल्दी से, और निकल गया निकल गया। अरे वाह विराट कोहली भी भैया भी है, मुझे ये चाहिए नहीं था ये कैसे। हाँ सब, अरे बाप रे सभी क्रिकेटर पाए, सब अलग अलग है, तू बोल रही थी एक साथ जैसे। अरे धोनी जी भी है, अरे वाह विराट कोहली साहब नहीं, विराट कोहली नहीं, अपनी क्या सचिन तेंदुलकर भी सब है। और ये कौन है भाई, ये कौन सर है? मिस्टर बुमरा सर है ये। तो भाई ये देखो, तो इतने सारे बुक आप देखते हो, और ये कंपनी है सुप्रीम। तो ये कल के पीरियड्स है, मतलब कल कल जो 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 लेके जाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 बुक्स है, कुछ टेक्स्ट बुक्स है, और इसमें से ढूंढना पड़ेगा कौन चूज करता हूँ। दिस इज नेक्स्ट है, और कल अपना व्लॉग हो चुका था, मतलब तो वो हुआ और फिर हम सो गए। तो अभी अभी फिलहाल अभी कितने बजे पता है? अभी 6 बज रहे हैं, मैं 5 बजे स्कूल से आया, हाँ कॉलेज से आया। तो भाई इतना बताओ
इतने देर लगता है वो कॉलेज से यहाँ पे आने में, इतना होने के बाद भी अगर समझा ब्लॉग किया तो पढ़ाई कब करूँ या फिर पढ़ाई किया, क्योंकि इस पर भी सोचना पड़ता है ना क्या करना चाहिए ब्लॉग में, क्या नहीं, क्या मस्त दिखाना चाहिए, क्या अच्छा लगेगा, ऐसे सब कुछ सोचना पड़ता है, ऐसे सब कुछ सोचना पड़ता है। और इतना टाइम हो रहा है तो अभी अंधेरा ही होगा, मतलब अंधेरे में ब्लॉग कितना करूँगा मैं, करूँगा अभी तो भी तो, और कुछ कुछ बकवास भी हो सकते हैं, तो इस बकवास से अच्छा है कि मैं ब्लॉग ही ना डालूँ। तो सीधी सीधी मुझे बात बताना है, मैं अभी तक घुमा रहा था इतना, अभी बता देता हूँ। अभी ना मतलब अभी तक तो था, स्कूल नहीं था तो इसके लिए मैं ब्लॉग अच्छे से कर सकता था क्योंकि पढ़ाई इतना टेंशन नहीं था, पर अभी पढ़ाई भी और साथ ही में उसके टाइम भी निकालना पड़ेगा, तो वो मैं बेस्ट मतलब इतना टाइम लग रहा है तो इसके लिए ना मैं चाहता हूँ कि अपने मन से कि अब ना हम डेली ब्लॉग क्यूट करते हैं। तो बात ऐसी है कि अभी तो मैं फ़िलहाल तो डेली ब्लॉग इसलिए क्यूट कर रहा हूँ क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में तो रहे और वैसे भी कोई बुरी बात नहीं इसमें, तो हम ना हफ्ते में एक वीडियो तो डालेंगे क्योंकि इतने सारे बहुत सारे त्यौहार आएंगे तो उसमें व्लॉग बनाएंगे हम मस्त फिकी। और देखो भाई मैं व्लॉग कितने दिनों से कर रहा हूँ, आई थिंक अभी 110 हो चुके होंगे डेली व्लॉग, तो इतना होने के बाद भी मैं उसके सिवा रह नहीं सकता, इतनी बात तो बता दे रहा। तो ब्लॉगिंग में मुझे मज़ा तो भाई बहुत आता है, तो उसके सिवा रहने वाला तो नहीं हूँ। तो हफ्ते में हम एक वीडियो तो डालेंगे या फिर दो तीन जितने मतलब डालेंगे, और संडे में तो व्लॉग करेंगे क्योंकि उस दिन स्कूल भी नहीं रहती तो कुछ भी नहीं रहता, तो हम मस्त फिर व्लॉग करेंगे। सीधी सीधी बात बता रहा हूँ अब भाई, अब से आज कल से डेली व्लॉग नहीं आएंगे, आई थिंक दो चार दिनों में और एक व्लॉग आ जाएगा क्योंकि कोई ना कोई तो फंक्शन होगा ही ना, या फिर हम डेली व्लॉग करेंगे भी नहीं, मतलब अभी नहीं कर रहे फिलहाल, वो अभी देखना पड़ेगा, तो इसलिए भाई बुरा लग रहा है थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं। दिस इज़ अपना गाइज, तो ये है अपना लास्ट डेली व्लॉग, और इसके बाद अब हफ्ते में वीडियोस आएगी एक दो तीन, जो जितना चाहिए उतना, आप अगर कमेंट करोगे तो तभी के तभी आएंगे, और आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम व्लॉग जैसे ही कुछ स्टोरीज डालते हैं या फिर फोटोज़ डालेंगे तो उससे आपको पता भी चल जाएगा कि हम व्लॉग नहीं कर रहे तो घर में क्या कर रहे हैं, तो ऐसे देख सकते हो आप, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, मेरा नाम है कौस्तुभ ढोक, इंस्टाग्राम में आईडी है कौस्तुभ ढोक। तो चलो लास्ट बाय बोल देता हूँ, लास्ट ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कि क्या बोल रहा हूँ। तो अगर गाइस तो ये वीडियो होगा और तो गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर रहते नए सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, कभी ना कभी तो मिलेगी दो चार दिनों में ही, बुरा लग रहा है कोई बात नहीं यार गाइस, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। तो और गाइस एक बात तो बतानी भूल गए, हमारे यहाँ की दिवाली ना भाई सुभान अल्लाह मतलब एक नंबर होती है भाई, मेरे तो मन से ऐसा लगता है मुझे, अब वो आपको अच्छी लग रही होगी तो देखना, क्योंकि दिवाली के स्टार्टिंग से या फिर स्टार्टिंग के भी पहले से तब हम डेली व्लॉग स्टार्ट करने वाले ही है, करेंगे क्योंकि तब तो छुट्टियाँ रहेगी ना, भाव बीज बहुत सारी दिवालियाँ पटाखे मस्त बजाएगा यार सब, मतलब मिठाइयाँ बनाएंगे यार सब मजा आएगा, तो वो आप देखना ही, तो हम तब डेली व्लॉग स्टार्ट करके, ठीक है यही बताना था, भूल गया था इसलिए, चलो बाय बाय।